प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी होता है। गर्भवती महिला के खान पान का सीधा असर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, जिस कारण शरीर का तापमान अधिक हो जाता है। खासकर गर्मियों के मौसम में शरीर का तापमान को सही बनाए रखने के लिए और गर्भ में पल रहे नन्हे बेबी को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्मियों में कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो शरीर को ठंडा स्वस्थ रखने में मदद करे, साथ ही शरीर में पानी की कमी ना हो। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गर्मियों के मौसम में इन चीज़ों का भरपूर सेवन करना प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें पहला है तरबूज। तरबूज गर्मियों के मौसम में बड़ी आसानी से मिलने वाला मीठा और रसीला फल है। तरबूज अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक फल है। तरबूज में 92% तक पानी होता है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर को स्वस्थ और हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में तरबूज खाने से यह गर्भाशय में पानी की कमी नहीं होने देता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छे से ग्रोथ हो पाता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्मी में दोपहर के समय में तरबूज जरूर खाना चाहिए। इसके बाद है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी स्वादिष्ट होने के साथ साथ अत्यंत गुणकारी फल है। ब्लूबेरी में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम, फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत ही लाभकारी होते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को ब्लूबेरी का जरूर सेवन करना चाहिए। इसके बाद है खीरा। खीरा में 96% पानी होता है। प्रेगनेंसी में खीरा खाने से गर्भाशय में पानी की कमी नहीं होता है, इससे शरीर हाइड्रेट बना रहता है। खीरा में विटामिन ए के साथ अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्रेग्नेंट महिला के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं गर्मी में खीरा को सलाद के रूप में या ब्रेकफास्ट के साथ भी खा सकती है। इसके बाद है पुदीना। पुदीने की पत्तियों में मिंथॉल पाया जाता है जो कि शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। साथ ही इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी तथा बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पुदीने में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसके बाद है दही। दही खाने से पेट को ठंडक मिलती है। प्रेग्नेंट महिला दही का सेवन करती है तो इससे बॉडी का टेम्परेचर सही रहता है। दही में प्रोटीन और कैल्शियम मौजूद होते हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्मी में ताजे दही का जरूर सेवन करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके बाद है नारियल पानी। दोस्तों, नारियल पानी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितना गुणकारी है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में नारियल पानी का सेवन करती हैं तो यह आपके लिए और भी अच्छी बात है। प्रेगनेंसी में नारियल पानी पीने से यह आपके शरीर को हाइड्रेट बनाए रखता है, थकान महसूस नहीं होती है, साथ ही शरीर को ठंडक रखने में मदद करता है। इसलिए अगर आप डेली सुबह खाली पेट नारियल पानी पीती हैं तो यह बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके बाद है ग्लूकॉन-डी। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से उन्हें कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में आपको कमजोरी, चक्कर आना महसूस हो सकता है। अगर आप गर्मियों में ग्लूकॉन-डी का सेवन करती हैं तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी, साथ ही यह शरीर को ठंडा रखेगा। अगर आपको हाथों पैरों में जलन महसूस हो रही है तो इसे ठंडा रखने के लिए ग्लूकॉन-डी जरूर पिएं। ध्यान रहे, इस दौरान आपको फ्रिज का ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना है, आप नॉर्मल वाटर में ग्लूकॉन-डी घोलकर पी सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 चीज़ें जिन्हें समर सीजन में प्रेग्नेंट महिलाओं को जरूर सेवन करना चाहिए। साथ ही जितने भी रसीले फल हैं सबका सेवन करना चाहिए।
पानी खूब पिएं, इससे आपके बेबी का ग्रोथ अच्छे से होगा और आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकेंगी। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।